हेलो एवरीवन, आज हम लोग करेंगे एमसीक्यूज ऑन डेटा स्ट्रक्चर्स, इजी टू अंडरस्टैंड क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन इज टू मेन मेजर्स फॉर द एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिथम, प्रोसेसर एंड मेमोरी, कॉम्प्लेक्सिटी एंड कैपेसिटी, टाइम एंड स्पेस, डेटा एंड स्पेस। जब भी एल्गोरिथम की एफिशिएंसी की बात करते हैं, हम उसको दो पैरामीटर से मेजर करते हैं, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सो इट्स करेक्ट आंसर इज टाइम एंड स्पेस। व्हेन डिटरमाइनिंग द एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम, द टाइम फैक्टर इज मेजर्ड बाय। जब भी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहे हैं, उसमें टाइम हम कैसे मेजर करेंगे? फर्स्ट ऑप्शन इज काउंटिंग माइक्रोसेकेंड्स, काउंटिंग द नंबर ऑफ की ऑपरेशंस, काउंटिंग नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स, काउंटिंग किलोबाइट्स ऑफ स्टेटमेंट। हम स्टेटमेंट्स काउंट करते हैं इसमें, बट वो स्टेटमेंट्स कौन सी होती है जो हमारे की ऑपरेशंस हैं, लाइक फोर लूप हमारा कितनी बार चला। कुछ स्टेटमेंट्स को हम स्किप कर देते हैं और सिर्फ जो मेन ऑपरेशंस हैं हमारे उनको काउंट करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कंप्यूट करने के लिए। सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज बी। विच ऑफ द फॉलोइंग केस डज नॉट एग्जिस्ट इन कॉम्प्लेक्सिटी थियरी? बेस्ट केस, वर्स्ट केस, एवरेज केस, नल केस। कॉम्प्लेक्सिटी में हम तीन केसेस लेते हैं, बेस्ट, वर्स्ट एंड एवरेज। नल केस की हम कभी बात नहीं करते। सो इट्स करेक्ट आंसर इज डी, क्योंकि इसमें हमें आंसर करना डज नॉट एग्जिस्ट, बाकी तीनों हमारे होते हैं। फॉर एन एल्गोरिदम द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एवरेज केसेस, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए इज मच मोर कॉम्प्लिकेटेड टू एनालाइज देन दैट ऑफ अ वर्स्ट केस, मच मोर सिंपलर टू एनालाइज, sometimes complicated, sometimes simple than worst case, none of the above. Friends, always to remember, जब भी हम average case को compute करना होता है, वो हमारे लिए ज़्यादा complicated है as compared to worst case. So its correct answer will be A, much more complicated to analyze than that of worst case. When determining the efficiency of algorithm, the space factor is measured by, अभी हमने पीछे क्या था कि टाइम फैक्टर हम कैसे मेजर करते हैं जो हमारे की ऑपरेशंस है, स्पेस फैक्टर कैसे मेजर करते हैं। ऑप्शंस आर काउंटिंग मैक्सिमम मेमोरी नीडेड बाय द एल्गोरिथम, काउंटिंग मिनिमम मेमोरी नीडेड बाय द एल्गोरिथम, काउंटिंग एवरेज एंड काउंटिंग मैक्सिमम डिस्क स्पेस नीडेड बाय द एल्गोरिथम। मिनिमम एंड एवरेज का केस तो कभी होगा ही नहीं इसमें। जब भी हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कंप्यूट करते हैं, उसमें हम देखते हैं मैक्सिमम मेमोरी हमें कितनी रिक्वायर्ड है हमारी एल्गोरिथम के लिए। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर इज लीनियर डेटा स्ट्रक्चर? फ्रेंड्स, इस पर हमने एक वीडियो भी बनाई हुई है, लीनियर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में हमारे पास आते हैं एरे, तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में हमारे पास है एरे, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक एंड क्यू। और नॉन लीनियर में हमारे पास आते हैं ट्रीज एंड ग्राफ। आप हमेशा याद रखना, बहुत बार एग्जाम्स में आया है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। सो हमारे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर इज लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर हमारा कौन सा है? एरे। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर इज नॉट लीनियर डेटा स्ट्रक्चर? नॉट लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में हमारे पास है ग्राफ एंड ट्री। ऑप्शंस है हमारे पास एरे, लिंक्ड लिस्ट, दोनों हमारे लीनियर है, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई भी हमारा नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर नहीं है। सो आर ऑप्शन विल बी नन ऑफ द अबव। लिंक्ड लिस्ट आर बेस्ट सुटेड फॉर रिलेटिवली परमानेंट कलेक्शंस ऑफ डेटा, फॉर द साइज ऑफ स्ट्रक्चर एंड द डेटा इन द स्ट्रक्चर आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, फॉर बोथ, फॉर नन। रिलेटिवली परमानेंट कलेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं एरे, जहाँ हमारे पास साइज ऑफ स्ट्रक्चर एंड डेटा डायनेमिकली चेंज हो रहा है, वहाँ हम यूज़ करते हैं लिंक्ड लिस्ट, क्योंकि लिंक्ड लिस्ट जनरली हम डायनेमिकली एक्सेस के लिए करते हैं और एरे हमारा स्टैटिक के लिए होता है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। इन लीनियर सर्च एल्गोरिदम द वर्स्ट केस अकर्स व्हेन, वर्स्ट केस हमारा लीनियर सर्च में कब होता है कि जो वैल्यू हमें सर्च करनी है एरे के अंदर, वो उसके अंदर या तो प्रेजेंट ही नहीं है या फिर एट द एंड ऑफ द एरे प्रेजेंट है।
बेस्ट केस कब होता है हमारा इसमें, जब वो हमें वैल्यू सर्च करनी है वो फर्स्ट वैल्यू है, जैसे हमने सर्चिंग शुरू की वो हमें मिल गई। एवरेज केस कब होता है, जब वो मिडल में लाई करती है। तो याद रखना फ्रेंड्स, लीनियर सर्च में वर्स्ट केस हमारा कब होगा, ऑप्शंस है आइटम इज समवेयर इन द मिडल ऑफ द एरे, नो ये हमारा एवरेज है। द आइटम इज नॉट इन द एरे एट ऑल, यस दिस इज वर्स्ट केस। द आइटम इज द लास्ट एलिमेंट इन द एरे, ये भी हमारा वर्स्ट केस है, ये दोनों ही हमारे वर्स्ट केस का पार्ट है। ऑप्शन डी इज द आइटम इज द लास्ट एलिमेंट इन द एरे और इज नॉट देयर एट ऑल, ये जो ऑप्शन डी है ये इन दोनों को मिला के बना हुआ है, ऑप्शन बी एंड सी। सो करेक्ट आउटपुट इज ऑप्शन डी। द एवरेज केस अकर्स इन लीनियर सर्च एल्गोरिदम व्हेन आइटम इज समवेयर इन द मिडल ऑफ द एरे, ये अभी हमने डिस्कस किया है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बबल सॉर्ट एल्गोरिदम, वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वेयर। जितने भी हमारे सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स हैं उनकी कॉम्प्लेक्सिटी आपको याद होनी चाहिए। इसके लिए हमने कंपैरिजन पे वीडियो भी क्रिएट किया था, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम। मर्ज सॉर्ट में हमारे जितने भी केसेस हैं, बेस्ट वर्स्ट एवरेज, सब में हमारी कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन। ईच एरे डिक्लेरेशन नीड नॉट गिव इम्प्लिसिटली और एक्सप्लिसिटली द इंफॉर्मेशन अबाउट, जब भी हम एरे को डिक्लेयर करते हैं ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो हम प्रोवाइड नहीं करते या जिसकी प्रोवाइड करने की हमारे पास ज़रूरत नहीं है, जिसको हम स्किप कर सकते हैं। तो हम एरे कैसे डिक्लेयर करते हैं, जनरली ये हमारा सिंटेक्स होता है एरे को डिक्लेयर करने का। सबसे पहले हम लेते हैं उसकी डेटा टाइप, देन एरे नेम और उसके बाद एरे का साइज। सब हम ऑप्शन देखते हैं, द नेम ऑफ द एरे ये कंपल्सरी है देना, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि हमें बताना नीड नॉट, जो देने की हमें ज़रूरत नहीं है। सो नेम ऑफ एरे हमें देना पड़ता है, डेटा टाइप ऑफ एरे ये भी हमें देना पड़ता है, फर्स्ट डेटा फ्रॉम द सेट टू बी स्टोर्ड, ए जीरो थी यानी कि ए एरे में फर्स्ट एलिमेंट कौन सा होगा, ये हमें देने की ज़रूरत नहीं है, इट्स अप टू अस कि हम उसे दे रहे हैं या नहीं दे रहे। सो इट्स करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, एरेज आर डेंस लिस्ट एंड स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर, दिस इज ट्रू, डेटा एलिमेंट्स इन लिंक लिस्ट नीड नॉट बी स्टोर्ड इन एडजेसेंट स्पेस इन मेमरी। लिंक लिस्ट में हमारे जो एलिमेंट्स हैं या जो नोड्स हैं उनको हम कहीं भी स्टोर कर सकते हैं, यही बेनिफिट है हमारा लिंक लिस्ट का एरे के ऊपर। सो ये भी हमारा करेक्ट है। पॉइंटर्स स्टोर द नेक्स्ट डेटा एलिमेंट ऑफ लिस्ट, दिस इज रॉन्ग। पॉइंटर क्या स्टोर करता है, वो स्टोर करता है एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, डेटा एलिमेंट नहीं स्टोर करता, एड्रेस स्टोर करता है, डेट इज़ वाई ये हमारा स्टेटमेंट गलत है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। द मेमरी एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे इज कॉल्ड बेस एड्रेस। विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर्स आर इंडेक्स्ड स्ट्रक्चर्स, इंडेक्स स्ट्रक्चर का मतलब है जिनके ऊपर इंडेक्सिंग की होती है, जैसे हमारे एरे के ऊपर की होती है। जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका एक इंडेक्स है, फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स जीरो से स्टार्ट होता है, सो इट विल बी जीरो, फॉर सेकेंड एलिमेंट इट विल बी वन। सो करेक्ट आंसर इज लीनियर एरेज। ओके, फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ द एलिमेंट विद अ गिवन वैल्यू, इस ऑपरेशन को हम क्या बोलते हैं, जब हमें वैल्यू गिवन है उसकी लोकेशन फाइंड आउट करनी है, डेट मीन्स उस एलिमेंट को सर्च करना है। सो इट्स करेक्ट आंसर इज सर्च, सर्चिंग ऑपरेशन होता है ये हमारा। द ऑपरेशन ऑफ प्रोसेसिंग ईच एलिमेंट इन द लिस्ट इज नोन एज ट्रावर्सल। ट्रावर्सल में जितने भी लिस्ट में हमारे पास एलिमेंट्स है सबको हम एक बार प्रोसेस करते हैं। When new data are to be inserted into a data structure, but there is no available space, इस situation को हम क्या बोलेंगे, हमें एक data structure में एक value insert करनी है but उसमें space ही नहीं है, उसको हम बोलते हैं overflow। और जब हमें कोई value delete करनी है but delete करने के लिए data structure में है ही नहीं, वो data structure empty है, उस condition को हम बोलते हैं underflow। ये बहुत कॉमन टर्म्स है फ्रेंड्स, अगर आपका एक ग्लास है वो ऑलरेडी फुल है, आप उसमें और पानी डाल दो उसको आप ओवरफ्लो बोलोगे, फाइन।
अगर वो ऑलरेडी एम्प्टी है और उसमें से आप अगेन कुछ पानी निकालने की कोशिश कर रहे हो तो डेट विल बी योर अंडरफ्लो। डेटा स्ट्रक्चर वेयर एलिमेंट्स कैन बी एडिड और रिमूव्ड एट ईदर एंड। सपोज ये मेरा डेटा स्ट्रक्चर है, मैं यहाँ से भी इंसर्ट या डिलीट कर सकती हूँ और इस पॉइंट से भी कर सकती हूँ, बट मिडल में से हम कोई भी वैल्यू इंसर्ट या डिलीट नहीं कर सकते। उस डेटा स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, डी क्यू, डबल एंडेड क्यू। लिंक लिस्ट में आप कहीं से भी कुछ भी इंसर्ट या डिलीट कर सकते हो, मिडल में से भी कर सकते हो। स्टैक में आप सिर्फ एक पॉइंट से ही इंसर्ट या डिलीट कर सकते हो, दिस इज लास्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर। क्यू में आप एक पॉइंट से इंसर्ट करोगे, एक से डिलीट करोगे, दोनों से नहीं कर सकते। बट इन केस ऑफ डबल एंडेड क्यू आप दोनों साइड से इंसर्ट भी कर सकते हो और डिलीट भी कर सकते हो, बट बीच में से आप कोई भी ऑपरेशन नहीं कर सकते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर बाइनरी सर्च एल्गोरिथम। नॉट द रिक्वायर्ड कंडीशन, द लिस्ट मस्ट बी सॉर्टेड, ये मस्ट है, इसकी प्री कंडीशन है बाइनरी सर्च एल्गोरिथम को यूज करने के लिए। देर शुड बी द डायरेक्ट एक्सेस टू द मिडल एलिमेंट इन एनी सब लिस्ट, ये भी आपकी प्री कंडीशन है, क्योंकि बाइनरी सर्च में हम यही करते हैं, मिडल वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, लोकेशन फाइंड आउट करते हैं। सो मिडल एलिमेंट को एक्सेस करना बहुत जरूरी है। देयर मस्ट बी अ मैकेनिज्म टू डिलीट और इंसर्ट एलिमेंट इन लिस्ट। जब भी हम सर्चिंग की बात करते हैं, डिलीशन और इंसर्शन की कभी बात नहीं करते, सो ये कंडीशन हमें ज़रूरत नहीं है। और हमें सिर्फ यही बताना है कि नॉट द रिक्वायर्ड कंडीशन। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। बाइनरी सर्च एल्गोरिथम कैन नॉट बी अप्लाइड टू, ऐसी कौन सी हमारी लिस्ट या कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है जहाँ बाइनरी सर्च एल्गोरिथम नहीं अप्लाई कर सकते। सॉर्टेड लिंक लिस्ट, सॉर्टेड बाइनरी ट्रीज, सॉर्टेड लीनियर एरेज, पॉइंटर एरेज। देखिए बाइनरी सर्च एल्गोरिथम के अभी हमने पीछे क्वेश्चन में किया कि हमारे पास कंडीशंस क्या क्या चाहिए, सॉर्टेड होनी चाहिए, ये सब सॉर्टेड हैं। सेकंड कंडीशन थी कि हम मिडल एलिमेंट को एक्सेस कर पाएँ। नाउ पॉइंटर एरे में भी आप मिडल एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो, एरे में आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो, सॉर्टेड लीनियर एरे में भी कर सकते हो, बाइनरी ट्रीज में भी कर सकते हो। बट इन केस ऑफ सॉर्टेड लिंक लिस्ट आप डायरेक्ट मिडल एलिमेंट को एक्सेस नहीं कर सकते। लिंक लिस्ट में हमें कोई भी एलिमेंट को एक्सेस करना है, हमें स्टार्टिंग से उसको ट्रावर्स करना पड़ता है। सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। थैंक यू फ्रेंड्स, ये थे सिंपल बेसिक क्वेश्चंस। एंड अगर आपका कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।